तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को अगर बेसिकली देखोगे तो इसमें क्या है, एक नेटवर्क है और ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। इन दिस नेटवर्क वी वांट टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो ये ए है और ये बी है, तो ए और बी के अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करोगे तो ये दोनों ऊपर वाला, ये वाला देख रहे हो, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, और ये इधर भी ये दोनों आपस में किस में है भाई, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और ये उसके साथ ये वाला ऊपर वाले दोनों के साथ पैरेलल में है, और ये वाला भी इन दोनों के साथ पैरेलल में है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, साथ साथ ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये वाले आपस में पैरेलल में हैं और ये वाले भी आपस में पैरेलल में हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इन्हीं को और इनको जोड़ लेता हूँ, जो पैरेलल वाले हैं उनको मैं कंबाइंड कर लेता हूँ, और साथ साथ ये वाले जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं इनको, और ये आपस में पैरेलल हैं इनको, आपस में जोड़ के मैं रेजिस्टेंस यहाँ से रीड्रॉ करता हूँ। तो अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ तो दोबारा ये दोनों सीरीज में है, तो 1.1.5 + 0.5 तो कितना हो गया 2, ठीक है। और 1 और 1 ये भी तो नीचे वाले 1 और 1 दोनों सीरीज में है, तो 2। तो ये सर्किट को मैं रीड्रा करूँ, और 8 और ये दोनों पैरेलल में है, तो 8 × 2 / 16 / 8 और 8 = 10, ठीक है ना। 8 और 10 तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा मतलब ये आ जाएगा 1.1 यहाँ से तुम देखोगे तो 1.6 आ जाएगा, तो 1.6 ओम। और 4 और 6 का देखोगे तो 4 और 6 आपस में यहाँ से पैरेलल है, तो 4 और 6 = 10 आ जाएगा। और यहाँ से तुम देखोगे तो 2 से ये 3 टाइम्स कट 2 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो 12/5 आ जाएगा, तो 12/5 तो ये आ जाएगा 2.4, ठीक है ना, 2.54 ओम। ये तो ये सारे रेजिस्टेंस, अब मैं इनको रीड्रॉ करूँ तो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा, ऊपर वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम, और नीचे वाला ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये भी बेसिकली अगर देखोगे तो ये यहाँ से 12 ओम जो पहले से लगा हुआ था, और ये यहाँ से देखोगे तो ये एक और यहाँ से आ गया और ये एक और आ गया, जो कि ये 1.6 है ओम और ये है 2.4 ओम है, ठीक है। तो अगर यहाँ से नीचे से ये देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 ओम, और ये आ जाएगा 2 ओम यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2 ओम यहाँ से। अब यहाँ से तुम देखोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, तो नेट रेजिस्टेंस सारे पैरेलल में है और ए बी के अक्रॉस, तो 1/2 + 1/12, ठीक है, +1/1.6 + 1/2.6 + 1/6 + 1/2। तो ये फाइनली ये वाली जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन है तो वो आ जाएगा 18/12 आ जाएगा, तो 18/12 आ जाएगा मतलब 3/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ आर ए बी के अक्रॉस जो वैल्यू हो जाएगी वो 2/3 इज द फाइनल सोल्यूशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रेजिस्टेंस अक्रॉस 2/3, बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।